दोस्तों सुपर एट में टीम इंडिया अपनी प्लेइंग 11 से सबको चौंकाएगी। सुपर एट का मुकाबला शुरू होने वाला है और 20 तारीख को इंडिया का अपना सुपर एट का पहला मुकाबला खेलना है, वो भी अफगानिस्तान के खिलाफ। ऐसे में सुपर एट जो है वो न्यूयॉर्क या फिर अमेरिका में नहीं होगा। सुपर एट के इंडिया के सारे मुकाबले वेस्ट इंडीज में होने वाले है और वेस्ट इंडीज का जो कंडीशन है अभी से साफ दिख रहा है। वहां के जो विकेट है पूरी तरीके से स्पिन फ्रेंडली विकेट होते हैं। गर्मी होती है, गर्मी में विकेट बहुत जल्दी सूख जाता है, टर्न बहुत मिलती है, पेसर वहाँ पे बहुत कम प्रभाव डालेंगे, लेकिन ज्यादातर वहाँ पे स्पिनर के बोल बाला रहता है। इस वजह से इंडिया ने एक नई रणनीति बनाई है जिसके मुताबिक प्लेइंग 11 पर कुछ बड़े फैसले लिए जाएंगे। जैसे कि सबसे बड़ा फैसला जो होगा वो होगा ओपनिंग को लेकर। अभी तक हमने देखा कि हमारी ओपनिंग जोड़ी पूरी तरीके से फ्लॉप रही है। रोहित शर्मा विराट कोहली लगातार 3 मैचों में ओपनिंग करने आए, तीनों मैच में उनकी जोड़ी फ्लॉप रही। विराट कोहली के तो पता नहीं, उनके बल्ले को तो ऐसा लग रहा है जैसे जंग लग गया हो। इस वजह से जब सुपर 8 शुरू होगा तो मुझे लगता है कि सबसे पहले जो ओपनिंग जोड़ी में बदलाव किया जाएगा। इंडिया की जो नई ओपनिंग जोड़ी है वो इस प्रकार हो सकती है, रोहित शर्मा और ऋषभ पंत। इससे फायदा क्या होगा, एक तो ओपनिंग को लेकर लगातार हम कंफ्यूजन देख रहे हैं कि रोहित और विराट में एक जल्दी आउट हो जा रहा है, तो उससे अच्छा है विराट को उसी नंबर पे खिलाया जाए और वहां पर वो जिंदगी भर खेले है। यानी कि ऋषभ पंत की ओपनिंग करने से क्या होगा कि एक तो चीजें चेंज होगी और दूसरी बात राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन पहली गेंद से होगा। राइट और लेफ्ट यह बहुत दिक्कत करता है विरोधी टीम को। ऋषभ पंत वैसे भी नई गेंद से एक तरीके से हर मैच खेले है क्योंकि पहले दूसरे ओवर में उनकी बैटिंग आ जाती है, तो उससे अच्छा है वह पहली गेंद से ही वहाँ पे जाए। और दूसरी बात, पावर प्ले का सबसे अच्छा इस्तेमाल ऋषभ पंत कर सकते हैं। फील्डर अंदर होते हैं, ऋषभ अटैक कर सकते हैं, शुरुआत में ही टीम इंडिया को एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। इसके बाद इंडिया का मिडिल ऑर्डर किस प्रकार होगा, सुपर 8 में विराट कोहली नंबर 3 पर, सूर्य कुमार यादव नंबर 4 और उसके बाद राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन के हिसाब से देखा जाएगा। जैसे कि अगर पंत है क्रीज पर और आउट हो जाते हैं तो शिवम दुबे को भेजा जा सकता है, यानी कि राइटी बैट्समैन आउट हो गया तो हो सकता है उससे पहले फिर हार्दिक पांड्या को भेज दिया जाएगा। तो ये इस तरीके का मिडिल ऑर्डर होने वाला है। इसके बाद फिनिशर की भूमिका 3 बल्लेबाजों के कंधे पे रहेगी, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा। हार्दिक ऊपर आते हैं, कई बार अक्षर को ऊपर भेज दिया जाता है जैसे कि पाकिस्तान वाले मैच में किया गया था। और हार्दिक के साथ साथ आखिर में रविंद्र जडेजा, ये ऐसे बल्लेबाज है जो हमेशा मैच को फिनिश करने की इनकी आदत रही है। इंडिया के लिए बहुत सारे मैचेस फिनिश किए हैं तो इस वजह से इनको जिम्मेदारी यही रहेगी। और वेस्ट इंडीज में इंडिया के स्पिनर क्या होंगे, अभी तक हमने देखा कि अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा ही खेल रहे थे, लेकिन यहाँ पर सुपर 8 में इंडिया थोड़ा सा चेंज करेगा और आपको 3-3 स्पिनर देखने को मिल सकते हैं। अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव की एंट्री हो सकती है। स्पिनर के तौर पे कुलदीप यादव किसकी जगह पर आएंगे अब देखिए। पेसर्स तो यही होने वाले है, बुमराह अर्शदीप को आप हटाएंगे नहीं। अर्शदीप ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की है, बुमराह को आप हटा नहीं सकते है, इसलिए कुलदीप यादव आएंगे मोहम्मद सिराज की जगह पर। विकेट्स अगर पहले से ही तय हो जाएगा कि विकेट सूखा है तो जाहिर सी बात है कुलदीप यादव को खिलाया जाएगा या फिर युजवेंद्र चहल को खिलाया जाएगा, मोहम्मद सिराज को बाहर बैठाया जाएगा। अब सिराज को क्यों बाहर बैठाया जाएगा, क्योंकि 3 स्पिनर हो गए, इसके अलावा हमारे पास उसके बावजूद 4 पेसर्स का ऑप्शन रहेगा, जैसे कि बुमराह हो गए, अर्शदीप हो गए, हार्दिक पेस करते ही है। और इसके अलावा अगर पेस की जरूरत पड़ती है, विकेट मान लीजिए तेज गेंदबाजों को मदद दे रहा है, तो शिवम दुबे से तेज बॉलिंग करवाई जा सकती है, ये मिक्स बॉलिंग करते हैं। तो इंडिया के पास 4 बॉलिंग ऑप्शन पेसर्स के हो गए, 3 बॉलिंग ऑप्शन स्पिनर के हो गए, तो ये इस तरीके की टीम इंडिया रहने वाली है। सुपर 8 में तगड़ी टीम लग रही है। आप ये मान के चलिए नंबर 8 नंबर 9 तक इंडिया के पास बैटिंग है और साथ साथ बॉलिंग ऑप्शन भी है, यह बहुत बड़ी बात है। तो कुछ इस प्रकार संभावित प्लेइंग 11 इंडिया की हो सकती है। सुपर 8 में देख लीजिए, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। अब ऐसे में आप बताइए कि क्या इस प्लेइंग 11 से आप संतुष्ट है या फिर आपके मुताबिक इसमें कोई चेंज होना चाहिए। जो भी हो आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।